नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा इन नाउन्स के बारे में, मुझे नहीं पता वो आपने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा है, लेकिन अगर आज आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो समझ है वो इस प्रकार से विकसित होगी, इस प्रकार से डेवलप होगी कि आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। या मैं आपको पहले यह बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर और किसी ने भी जो पिछले लेक्चर हैं, जिस किसी ने भी पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है अभी तक, तो वो प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए। प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट खोलने के बाद आपको चार लेक्चर उसमें मिलेंगे। सबसे पहला लेक्चर वहाँ पर आपको मिलेगा सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद आपको मिलेगा वहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद का लेक्चर आपको मिलेगा वहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। और उसके बाद का लेक्चर वहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चार लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इस सीरीज़ में, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, आसान शब्दों में मैं आपको ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने किसी ने भी अभी तक ये लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। ये चारों नाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उनका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस प्रकार से हमने ये जो पिछले लेक्चर्स हैं वो कवर किए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेंटेंसेस से। हमने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किस प्रकार का, जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में हमेशा वर्ब होती है, और सेंटेंस में हमेशा एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया होता है। इस प्रकार इन तीनों चीज़ों से, या इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें, इसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, इन तीनों या इससे भी ज़्यादा चीज़ों को मिला के, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आठ तरह की स्पीच होती हैं, आठ तरह के पार्ट्स होते हैं स्पीच के, तो उन आठ में से एटलीस्ट मिनिमम ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है या एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस के बाद मैंने आपको पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में चार तरह के सेंटेंस हमने आपको बताए थे। नंबर एक सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल स्टेटमेंट अगर किसी सेंटेंस में दी गई है तो हम उसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। और नंबर दो इसमें आप देख लीजिए इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें निकल के आएंगी। नंबर एक आएगा कमांड। अगर किसी सेंटेंस में कमांड दी जा रही है तो वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। नंबर दो आएगा रिक्वेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है तो वो इम्पैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। और नंबर तीन इम्पैरेटिव सेंटेंस में आता है एडवाइस। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है तो वो भी इम्पैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। नंबर तीन मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए, और इनके लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड हमेशा लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। और सबसे लास्ट में जो सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें सडन फीलिंग शो की जाती है, दुख, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा दुख, इस प्रकार के सेंटेंसेस में शो किया जाता है, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, और ये प्रकार एक्सक्लेमेशन साइन उनके लास्ट में लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन साइन इस प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और नंबर तीन पे हमने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि सीमा
वॉज एन इंटेलिजेंट, सीमा वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि जिस, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में वक्तव्य है, जिसके बारे में वो सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस, सॉरी उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? सीमा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सीमा के बारे में बात हो रही है, तो सीमा क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही गई है, वो हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब हुआ कि जो वक्तव्य है, ये जो बात कही गई है सब्जेक्ट के बारे में, उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। नंबर चार यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नंबर चार मैंने आपको क्या बताया था? नंबर चार था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर चार था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि किस, कितनी, आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी। आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक होता है हमारा नाउन, नंबर दो होता है हमारा प्रोनाउन, और नंबर तीन होता है हमारा एडजेक्टिव, नंबर चार होता है हमारा वर्ब, नंबर पाँच एडवर्ब, नंबर छः कंजक्शन, सॉरी इसमें एक चीज़ और छूट गई, प्रीपोजिशन, उसको आप बीच में ऐड कर लीजिए प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है सेवन या एट, लास्ट फाइनल कह दीजिए, इसको आप फोर्थ नंबर पे रख लीजिए, इसको आप प्रीपोजिशन को फिफ्थ नंबर पे रख लीजिए, सिक्स पे आपको कंजक्शन रख लीजिए, सिक्स पे कंजक्शन रख लीजिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन लास्ट होता है कौन सा? इंटरजेक्शन। नंबर वन पे आपका आ गया नाउन, दो पे प्रोनाउन, तीन पे एडजेक्टिव वर्ब, चार पे वर्ब, पांच पे आपका प्रपोजिशन हो गया, छह पे एडवर्ब हो गया, सात पे कंजक्शन हो गया, और आठ पे इंटरजेक्शन हो गया। तो इस प्रकार की से ये आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई भी जो स्पीच होती है, कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, यानी वो किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में आप देख लीजिएगा, ये जो हिस्से हैं, ये जो पार्ट्स हैं, यही आपको नजर आएंगे। कहीं पे आपके नाउन ज़्यादा नजर आएगी, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, प्रपोजिशन आएगी, एडवर्ब आएगा, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आएगा। तो यही चीज़ें आपको किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्पीच में आपको नज़र आने वाली हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको चार लेक्चर हमने कवर किए हैं अभी तक। जिस किसी ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक, वो जाके पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, सो दैट आपकी जो कनेक्टिविटी है हमारे साथ में वो बनी रहे, और फर्दर जितने भी लेक्चर आने वाले हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर हमारा क्या है, देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको तीन नाउन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाउन में कौन कौन से नाउन मैंने पढ़ाए हैं? नाउन में हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कॉमन नाउन। जी हाँ, अभी तक ये दो नाउन हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पिछले लेक्चर में हम ये दो चीज़ें, ये दो नाउन हम कवर कर चुके हैं बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इनको कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, और लिंक है वो आपको दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज जो आई बटन है इन्फॉर्मेशन वाला साइड में वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये दोनों नाउन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन, नाउन तो हमने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, यानी जिस चीज़ को कोई हम नाम दे देते हैं वो हमारी नाउन हो जाती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने कोई नाम ना दिया हो, इसलिए जिस भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, या एनिमल को, या फिर हम ये कहें फीलिंग, या फिर आइडिया, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स और आइडिया, इनमें से हम किसी को भी जो नाम देते हैं वो हमारी नाउन हो जाती है। आज हम बात करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उस चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो अदृश्य है,
हमें दिखाई नहीं देती है, तो और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो फिर उसको हम कैसे, उसको क्या है, उसका एग्जिस्टेंस किस प्रकार से है, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करती है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी वो चीज़, ऐसी चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं, लव। लव को आप फील कर सकते हो, लव को आप छू नहीं सकते, लव को आप देख नहीं सकते, बट उसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सोरो या दुख, इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसको फील कर सकते हो आप। तो इस प्रकार के जो आइडियाज़ होते हैं, इसलिए डेफिनेशन में, पहले डेफिनेशन में ना चार चीज़ें आती थी, डेफिनेशन में आता था पर्सन, प्लेस, थिंग्स या फिर यूँ कहे एनिमल। ये जो पुरानी बुक्स हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको नाउन की डेफिनेशन में ये चार चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बुक्स और जो थिंकर्स हैं, जो बुक्स लिखने वाले हैं, उन्होंने भी इसको इम्प्रूव किया है। उन्होंने एक चीज़ में एक चीज़ और ऐड करने लग गए, अब इसमें एक चीज़ और ऐड होने लगी, क्या, फीलिंग्स और आइडिया। ये चीज़ भी आप डेफिनेशन में लिखी हुई नज़र आपको आएगी, ठीक है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे थे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसको हम जो नाम देते हैं, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसको हमने जो नाम दिया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। किस प्रकार से, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। वी कैन ओनली थिंक ऑफ, केवल उनके बारे में हम सोचा जा सकता है या सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, बट कैन नेवर टच और सी इट। किसी क्वालिटी के बारे में बात करें, जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये क्वालिटी है, ये क्या है, ये क्वालिटी है, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगी। या अगर हम लव की बात करें, प्यार, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। या फिर अगर हम दुख की बात करें, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो सेंटेंस में जब भी आप इस तरह के वर्ड्स देखोगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये दो सिचुएशन यहाँ पर दी गई हैं, एक तो ये आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जो फेवरेट टीम है, फेवरेट टीम हमारी कौन सी है, क्रिकेट में बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो, हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो हमारी टीम जीत जाती है, मैच जीत गई है। अगर हमारी टीम मैच जीत गई है तो किस प्रकार की फीलिंग आपके अंदर नज़र आएगी, किस प्रकार आप फील करोगे उसको जब मैच जीत जाते हैं तो। और दूसरी सिचुएशन को अगर आप यहाँ पर इमेजिन करोगे कि आपकी मदर ने, आपने कोई गलत काम किया तो आपकी मदर ने आपको स्कोल कर दिया, आपको डांट दिया, एक फीलिंग है जो मैच जीतने पर नज़र आती है और एक फीलिंग है जो डांटने पर अंदर से निकल के आती है। एक फीलिंग है हैप्पीनेस की और एक फीलिंग है सैडनेस की। तो ये जो हैप्पीनेस है और ये जो सैडनेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं दोनों, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप पकड़ नहीं सकते, बट इनको आप फील कर सकते हैं, इनको आप फील कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह की क्वालिटीज़, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के आइडियाज़ जो हम खाली फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो हम रखेंगे किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, उसी प्रकार से एक एग्जांपल और दिया यहाँ पर, ये एग्जांपल भी समझ लेते हैं। सिमिलरली वी नो दैट ऑनेस्टी एंड ब्यूटी मीन, क्या, ऑनेस्टी एंड ब्यूटी मीन, बट वी कैन नॉट टच और सी दैम। ऑनेस्टी भी है और ब्यूटी भी है, ये दोनों वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए। ऑनेस्टी, क्या उसको हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जी नहीं, उसके बारे में केवल सोच सकते हैं, उसके बारे में केवल फील कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी क्या हुआ, एक क्वालिटी हुआ,
ब्यूटी एक क्वालिटी है। तो इस तरह की जो चीज़ें किसी के अंदर पाई जाती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट इनोसेंस ऑफ अ बेबी, इनोसेंस ध्यान से देखिएगा, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसलिए इनको, इन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ऑनेस्टी, ब्यूटी और इनोसेंस। जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी इनोसेंस होती है, हम कहते हैं कितना इनोसेंट बच्चा है, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो क्वालिटी है इनोसेंस की उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगे, वी डू नॉट सी द इनोसेंस बट वी सी इज द बेबी बिकॉज इनोसेंस इज अ क्वालिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम रखते हैं किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। मुझे उम्मीद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कभी भी आपको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। द बेबी क्राइड इन अ पेन, द बेबी क्राइड इन पेन, रोना और पेन, ठीक है, रोना और पेन, रोने के बाद में क्या है, दुख है, दुख में वो रो रहा है, ठीक है। तो दुख यानी दुख होने के बाद जो रोता है बच्चा, उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दर्द को हम फील कर सकते हैं, दर्द को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फियर, फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद टेल मी द ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ एक क्वालिटी है, ट्रुथ को हम पकड़ नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। हिज ब्रेवरी वॉन, ब्रेवरी, यहाँ पर आप देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, क्वालिटी है, उसको आप टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको केवल आप फील कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यू शुड रीड बुक, यू शुड रीड गुड बुक्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि नॉलेज को आप पकड़ नहीं सकते, नॉलेज किसी की कैद में नहीं है, नॉलेज को आप छू नहीं सकते, नॉलेज को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी नॉलेज है और ये मेरे ही पास रहेगी। वही नॉलेज जो आपके पास है, वही नॉलेज कोई दूसरा आदमी भी उसको ग्रहण कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, वही चीज़ को पढ़ के, एक्सपीरियंस करके। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें क्या हैं, ये सब क्वालिटी हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्वालिटी हैं, और क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है क्योंकि क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है, क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है। राजीव शेयर सम स्वीट मेमोरीज, राजीव शेयर्ड सम स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विद मी। देखिए मेमोरीज क्या हैं, मेमोरीज भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई है। अ सिंसियर पर्सन, अन ऑनेस्ट मैन, अ सिंसियर पर्सन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अ सिंसियर पर्सन, ये पर्सन के बारे में बता रहा है, सिंसियर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव क्यों हो गया, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अ सिंसियर पर्सन, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि नाउन के बारे में, नाउन के बारे में जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सिंसियर पर्सन, पर्सन की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, एलोबरेट करके बता रहा है क्या, ये वर्ड सिंसियर कि किस प्रकार का आदमी है, सिंसियर है, ठीक है। तो इसलिए नाउन ये क्या है, पर्सन क्या है, नाउन है, किस प्रकार के नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो पर्सन की क्वालिटी को ये इन्हेंस करके बता रहा है, सिंसियर पर्सन है, तो यहाँ पर ये सिंसियर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम इसको सिंसियर को सिंसियरिटी, सिंसियर को सिंसियरिटी बना दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन। अब ये इसकी क्वालिटी हो गई, अब ये क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई। और क्वालिटी मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार देखें यहाँ पर, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, जब तक ये यहाँ पर, जब तक ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, जब तक ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है तब तक ये क्या हो गया, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। अच्छा, ऑनेस्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिए ऑनेस्टी में, ऑनेस्ट को आप ऑनेस्टी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या, यहाँ पर क्या हो गया, क्वालिटी,
यहाँ पर ये क्वालिटी हो गया, और क्वालिटी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अ हैप्पी चाइल्ड, ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवली हो जाएगा, प्राउड का प्राउडली हो जाएगा, काइंड काइंडनेस हो जाएगा। इस प्रकार से इन सब क्वालिटीज़ को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन नेम, जितनी भी नाउन हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको एक ही साथ यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। क्या बोल रहा है कि कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस और एनिमल थिंग्स। कॉमन नाउन क्या होता है कि ऐसा नाम जो कॉमन दिया गया है सभी को, कोई पर्सन होगा, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग होगा, ठीक है, उनको जो कॉमन नाम दिया गया है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे डॉग, टेबल, कंट्री, गर्ल। डॉग का अगर कोई नाम लिख देंगे, जैसे डॉग का कोई नाम लिख देंगे जेवियर, जेवियर नाम लिख दिया, तो जेवियर तो एक पर्टिकुलर डॉग का नाम हो गया, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी होती हैं, बट उनमें से किसी एक पर्टिकुलर लड़की का अगर आप नाम लिख देंगे तो वो आ जाएगा किसमें, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार से कंट्री, कंट्री का अगर आप पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो वो आ जाएगा किसकी कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। इसलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि वो चीज़ें यानी वो क्वालिटी जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं किसी के भी अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए कलेक्टिव नाउन से पहले हम लोग पढ़ते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, देखिए मटीरियल नाउन होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मटीरियल नाउन होता है, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है उसको मटेरियल नाउन, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे बेड है, और बेड में क्या है, देखिए बेड किससे मिलकर बना है, बेड फर्नीचर से मिलकर बना है, ठीक है, फर्नीचर या फिर आप कहें वुड, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेड है, फर्नीचर में आता है, बेड किस में आता है, फर्नीचर में आता है, और बेड किससे मिल बना किससे है, बेड बना है वुड यानी लकड़ी से मिलकर बना है, ठीक है, तो लकड़ी से मिलकर बना है ना बेड, तो वुड क्या हो गया, वुड हो गया मटीरियल नाउन। अगर किसी सेंटेंस में आपको वुड नज़र आएगा तो ये हो गया आपका मटीरियल नाउन, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बेड आ गया, ठीक है, तो बेड क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बेड तो बहुत सारे होते हैं, किसी पर्टिकुलर बेड की बात नहीं हो रही है या किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन की बात नहीं हो रही है, इसलिए बेड हो गया कॉमन नाउन। और फर्नीचर, यहाँ पर देखिए क्या है, फर्नीचर किसको कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं एक ही कोई शॉप है मान लो, ठीक है, ये कोई शॉप है, इस शॉप के अंदर आपको बेड भी मिलेगा, इस शॉप के अंदर आपको टेबल भी मिलेगी, इस शॉप के अंदर आपको चेयर भी मिलेगी, ठीक है, तो इस शॉप को हम क्या कहेंगे, इस शॉप को हम कहते हैं फर्नीचर शॉप, इस शॉप को हम कहेंगे फर्नीचर शॉप, ठीक है, तो फर्नीचर शॉप को हम कहेंगे क्योंकि उसके अंदर बेड भी है, टेबल भी है, चेयर भी है, ठीक है, तो ये जो फर्नीचर शॉप है ये किस तरह का कलेक्शन है, ये जो यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें हैं, बेड, टेबल, चेयर, इनका कलेक्शन है, इसलिए फर्नीचर आएगा आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में, फर्नीचर आएगा आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। दोनों चीज़ों को अलग से ध्यान से समझिएगा, देखिए कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा आप, दोबारा से आपको बताता हूँ। देखिए एक तरफ आप लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन और दूसरी तरफ हमारा है मटेरियल नाउन। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी मैंने आपको फर्नीचर और लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, फर्नीचर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्नीचर शॉप अगर हम बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लकड़ी के सामान आपको नज़र आने वाले हैं, ठीक है, और ये जो लकड़ी है ये आता है किस में, मटीरियल नाउन की कैटेगरी में, और फर्नीचर आएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। चलिए चॉकलेट ले लीजिए आप, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट आप ले लीजिए, ठीक है, जो चॉकलेट है, एक आता है चोकोबीन, चोकोबीन से चॉकलेट बनती है ना, तो और चॉकलेट कितने प्रकार की होती हैं, चॉकलेट तो डेरी मिल्क भी होती है, चॉकलेट तो स्निकर भी होती है, चॉकलेट मंच भी होती है,
तो इतने प्रकार की चॉकलेट्स किसके अंदर आती हैं, यानी चॉकलेट की कैटेगरी में ये सब चीज़ें नज़र आएंगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यानी बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। चॉकलेट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि चॉकलेट एक कॉमन नाम दिया गया है सभी प्रकार की चॉकलेट्स को मिला के। चॉकलेट एक कॉमन नाम दिया गया है सभी प्रकार की चॉकलेट्स को मिला के, इसलिए चॉकलेट हो गया कॉमन नाउन। बॉक्स ऑफ चॉकलेट हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स को हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। और जो चोकोबीन है, जिससे चॉकलेट बनी है, यानी जिस मटेरियल से, रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जो रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बताइए ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, मटेरियल नाउन समझ में आया, कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है दोनों एग्जाम्पल से, एक तो फर्नीचर वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए और एक चॉकलेट वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, दोनों एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया नाउन्स, सारी जितनी भी नाउन्स थी वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाई हैं। आई होप ये जितनी भी नाउन्स के जितने भी प्रकार थे ये आपको समझ में आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल एक पार्ट अभी तक हमने कवर किया है नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हमने एक नाउन को कवर किया है, आने वाले लेक्चर्स में हम 7 और बचे हुए पार्ट्स को हम कवर करेंगे। जिस किसी ने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे वो पिछले लेक्चर्स को जाके ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंग्लिश पढ़ने में उतना ही मज़ा आए जितना आपको इसको पढ़ने में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट कि जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।